जो बचा हुआ टॉपिक है दैट इज इन द एक्यूट किडनी डिजीज को कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है किडनी से रिलेटेड, व्हाट आर द सीन चेंजेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर, व्हाट आर द रीनल फेलियर के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेजेस इन टू द किडनी डिजीज और इन टू द एक्यूट किडनी डिजीज। सो आज का जो लास्ट दो टॉपिक बचते हैं दैट आर डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट किडनी डिजीज या फिर एक्यूट रीनल फेलियर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। तो फर्स्ट थिंग विच इज डायग्नोसिस, यानी कि सर क्या डायग्नोसिस होगा कि अगर आप उनको पता चल जाए। तो सबसे पहले सर फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो हर जगह आता ही है, यानी कि उसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या सा साइंस सिम्टम्स थे, हिस्ट्री कलेक्ट कर ली जाएगी, कोई पीछे की जो आपकी फैमिली ट्री के अंदर कोई ऐसा तो ऐसा आप डेली उसके अंदर नहीं करते हो, या फिर भाई आपकी स्मोकिंग वगैरह कोई और ऐसी अदर हैबिट्स होती है सर जो उसके अंदर सब कुछ पूछ लिया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। एंड देन उसके बाद में सर यूरिन आउटपुट को देखा जाता है, इनटेक आउटपुट को देखा जाता है भाई वो कितना इनटेक कर रहा है, ठीक है, इनटेक आउटपुट देखा जाता है। और प्लस में इसके अंदर क्या किया जा सकता है सर, डायग्नोसिस किया जा सकता है, ब्लड का लेवल देखा जाता है, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सर ये हमेशा सर इंक्रीज पाया जाएगा, क्रिएटिनिन ज़्यादा लेवल पाया जाएगा, क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है सर वो इंक्रीज पाया जाएगा क्योंकि किडनी का काम करना बंद कर चुकी है, वेस्ट मेटाबॉलिक डिपॉजिट होंगे, क्रिएटिनिन का लेवल जो बाहर निकल रहा था वो नहीं निकल पाएगा तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। एबीजी एनालिसिस किया जाएगी, एबीजी एनालिसिस सीबीसी की जा सकती है, एबीजी के अंदर सर जो अपने पास में एससीओ थ्री था जो अपने पास में एल्कोसिस करता है सर वो लेस देन 22 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल 22-26 होता है तो वो हो जाएगा मेटाबॉलिक और एसिडोसिस हो जाएगा, और 7.35 से जो पीएच अपने पास में सर वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये अपने पास में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आने लग जाएगी। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस विच कैन बी मेड थ्रू इनटू आवर एक्यूट किडनी डिजीज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नॉर्मल सी है इसके अंदर कोई खास पूछा नहीं जाता, बस देख लिया जाता है भाई कैसे क्या उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, क्या उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आती है थ्रू आउट आवर एक्यूट किडनी डिजीज। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट किडनी डिजीज, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, प्लस में जो मैंने आपको बताया कि स्टेज ऑफ रिकवरी होती है, स्टेज ऑफ डायग्नोसिस थी ओलिड्यूरिया था, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है भैया, मैनेजमेंट के अंदर जो अपने पास में सबसे पहले मैनेजमेंट किया जाता है किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड उसके अंदर भैया वही है कि नॉर्मली नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक सॉरी पीपीआई वगैरह दिया जा सकता है, एंटीमेटिक दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये तो इसके अंदर दिया ही दिया जाता है। बाकी अगर इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है कि भाई पेशेंट को डायलिसिस पर रख दिया जाता है कि भाई उसकी किडनी के फंक्शन तब तक रिस्टोर नहीं होते तब तक पेशेंट की डायलिसिस होती है, ठीक है। देन इसके अलावा डायलिसिस के बाद में उसको क्या किया जाता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, अगर हाइपरकैलेमिया हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो उसे कैग्जिलेट दिया जाएगा, और इसके अलावा इंसुलिन प्लस में ग्लूकोज दिया जाएगा, ठीक है, और अगर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो कैल्शियम ग्लूटामेट, हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है तो क्या दिया जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है तो कैल्शियम ग्लूटामेट दिया जाएगा, ठीक है, और हाइपरफॉस्फेटीमिया तो उसकी इसके अंदर मैनेजमेंट के लिए आए कैल्शियम ग्लूटामेट वगैरह दे दिया जाता है। और प्लस में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और तो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। ये सारा सब कुछ नॉर्मल मैनेजमेंट होता है किससे रिलेटेड, एक्यूट किडनी डिजीज से रिलेटेड होता है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज नर्स मैनेजमेंट, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले पेशेंट को आते के सामने असेस किया जाएगा, किसके लिए असेस किया जाएगा, उसका सर यूरिन आउटपुट को, सर इनटेक आउटपुट को देखा जाएगा कि भाई वो क्या खा रहा है क्या ले रहा है। देन उसके बाद में सर एडिमा को देखा जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, इफ्यूजन्स को देखा जाएगा पूरी बॉडी के अंदर कैसे कैसे इफ्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है, एडिमा देखा जाएगा, इनटेक आउटपुट को देखा जाएगा, सर ईसीजी मॉनिटरिंग की जा सकती है, ठीक है, ईसीजी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और बाकी सर इसके अंदर क्या किया जाता है, फ्लूड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सर, रेस्ट्रिक्ट द फ्लूड बाय ओरली, यानी कि मुंह के रास्ते के द्वारा सर आप
फ्लूड नहीं ले सकते हो, कम लिया जाता है। सर लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, एवरेज कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं, एवरेज कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं, लो पोटासियम फूड दिया जाता है, यानी कि सर लो पोटासियम और लो ही क्या दिया जाता है, सोडियम, और लो फाउलर पोजिशन दी जाती है, याद रखना लो फाउलर पोजिशन दी जाती है। तो ये थे नॉर्मली नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट किडनी डिजीज। आई होप आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, कोई कंफ्यूजन है, मैं मानता हूँ टॉपिक थोड़ा बोरिंग होता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे तरीके से। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन लगता है तो आप मेरे को यूट्यूब में कमेंट करके बता दीजिए, और अगर कोई आपके रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को वो भी बताना प्लीज़, और आप मेरे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैं कोशिश डालता रहता हूँ, और लाइक करके जाना अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है, तो नहीं लगी है तो डिसलाइक करके जाना, पर करके जरूर जाना। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए और कीप स्टडिंग, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।